हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे तंत्र चिकित्सा में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुर्भाग्य कैसे खत्म करें। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, जैसे मान के चलो आपने किसी काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले ही वो काम बेकार हो गया, लॉस हो गया। कोई भी काम करते हो उसमें आपको लॉस हो जाता है, आप चाहते हो कि मुझे फ़ायदा हो, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। तो ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अगर इसको ख़त्म करना है तो आपको क्या करना है? अब अगले महीने में सावन भी आने वाला है और ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लोगे। ये दुर्भाग्य नाशक टोटका है, एक तरह का ऐसे समझ लो, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बताते हैं क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सावन का महीना आता है, सावन का महीना जैसे ही स्टार्ट हो, सावन के महीने में जब भी बारिश हो, जब भी बारिश स्टार्ट हो, मान के चलो सावन के महीने में हो सकता है 1 तारीख को आ जाए। अब सावन कब से स्टार्ट है ये तो मुझे भी नहीं, 15 तारीख से भी हो सकते हैं, 8 तारीख से भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो देसी भाषा में अलग होता है सावन और अपने अंग्रेजी भाषा में अलग होता है, तो अंग्रेजी के हिसाब से नहीं चलना, देसी के हिसाब से चलना है, ठीक है? तो उनसे पूछ लेना है, अपने घर वालों से, मम्मी पापा से, कि सावन कब से स्टार्ट है। जब भी सावन स्टार्ट हो उसी दिन से आप ध्यान रखो कि बारिश कब होगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया और आपका काम ख़त्म हो गया, मतलब बेकार हो गया, लॉस हो गया, उसमें कहीं से पैसा नहीं आता है, बहुत परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे जूझ रहे हैं, तो जैसे ही सावन का महीना आता है उसमें जब भी पहली बारिश होती है, चाहे एक पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन या 20वें दिन, कभी भी, या लास्ट वे दिन, या सावन के महीने में जब भी पहली बार बारिश हो, तब आप क्या करोगे, अपने कपड़े उतार कर पहले तो बारिश में नहाएं, उसके बाद पनाले होते हैं, पनाले हमारे इधर पनारा बोलते हैं, जो छत पर लगे होते हैं, छत से पानी नीचे डालते हैं, वो पाइप लगा के छत का पानी नीचे आता है, किसी भी पनाले के पास आप उसके नीचे खड़े होकर और खूब नहाइए, खूब मलमल के नहाइए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य जो है वो उसी पानी के साथ बह जाता है और आप एक स्वच्छ शुद्ध इंसान बन जाते हो। आप जो भी काम करोगे वो काम आपका सिद्ध होगा और आप कहोगे कि ये जे भाई, मैंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लिया, लेकिन कभी भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला अच्छा। तो अगर आप ये काम करोगे, सावन के महीने में आप नहाते हो, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई घाटा नहीं है कुछ भी, मतलब आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस कपड़े उतारे और नहाने चल दिए, बात ख़त्म। क्या जाता है आपका, कुछ चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का लिंक है, उस पर जाकर एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसमें वीडियो पड़ी हुई उनको वॉच जरूर करना और बताना हमें कंटेंट कैसा लगा, कितना अच्छा आपको वीडियो लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं किया ना, अच्छी बात नहीं है फिर तो। ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तो धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।